ये भी कि हीरोइनें अपने किरदारों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी फैशन स्टेटमेंट के लिए भी बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। इनके पहनने ओढ़ने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ हीरोइनों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने फैशन स्टेटमेंट से फैशन की दुनिया में नया ट्रेंड तो सेट किया ही, साथ ही अपने ऑडियंस का दिल भी जीता। नंबर एक, राधिका मदान। कलर्स के पॉपुलर शो मेरी आशिकी तुमसे ही में ईशानी का किरदार निभा चुकी राधिका शो के दौरान बहुत पॉपुलर हुई थी। और सिर्फ राधिका का किरदार ही नहीं बल्कि इनकी साड़ियाँ और डिजाइनर ब्लाउज की मार्केट में भी बहुत डिमांड हो गई थी। वो शो में अलग तरीके की सिंपल साड़ी और बैकलेस डिजाइनर ब्लाउज कैरी करती थी जो एक फैशन ट्रेंड बन गया। नंबर दो, उर्वशी ढोलकिया। उर्वशी ने कसौटी जिंदगी की मेकमोलिका का यादगार किरदार निभाया था। इस किरदार के साथ उर्वशी अपने मेकअप और माथे की बिंदी के लिए भी खूब पॉपुलर हुई थी। यहाँ तक कि कोमलिका नाम से बिंदी भी मार्केट में बिकने लगी थी। नंबर तीन, कृतिका कामरा। कृतिका ने अपने टीवी करियर की शुरुआत कितनी मोहब्बत है से की थी। इस सीरियल में कृतिका के मेकअप, आंखों में मोटा मोटा काजल और गले में ओम वाला लॉकेट तो ट्रेंड बन गया था। आज भी लोग इस फैशन को फॉलो करते हैं। नंबर चार, दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका टीवी की सबसे फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। ये जो भी करती हैं वो ट्रेंड बन जाता है, खासकर इनकी कांजीवरम साड़ियाँ जो एक बार फिर से फैशन में आ गई हैं। नंबर पाँच, अनीता हसनंदानी। अनीता टीवी की सबसे पॉपुलर और फैशनेबल एक्ट्रेस हैं। इस वक्त ये टीवी सीरियल ये है मोहब्बती में शगुन के रोल में नजर आ रही हैं। अनीता इस शो में काफी फैशनेबल दिखाई दे रही हैं। इनके डिजाइनर ब्लाउज और साड़ियों की मार्केट में बहुत डिमांड है।